हेलो एवरीवन, सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अश्विन वेद और मेरा नाम है महविश वेद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने लगे हैं वो है नाना पाटेकर के हिंदू मुस्लिम के बेस्ट डायलॉग सीन है क्रांतिवीर मूवी के, जो के इसकी एक बेस्ट स्पीच पे भी हमने रिएक्शन दिया था। स्पीच पे भी दिया और हिंदू मुस्लिम नाना पाटेकर की एक वीडियो पे और रिएक्शन दिया। अच्छा, वो मोटिवेट कर रहे होते हैं जब बच्चे को लड़ाई के लिए। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एंड पे अपने रिव्यू से। बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू है मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? तुम लोग समझते कि नहीं, जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। इतने सीरियस सिचुएशन में Oh!
तो ये तो सीन्स थे क्रांतिवीर मूवी के, जो कि हिंदू मुस्लिम का बड़ा यार उन्होंने एक लेक्चर जो प्रैक्टिकल दिया वो बड़ा कमाल था। बहुत कमाल के डायलॉग्स थे। डायलॉग्स को छोड़ो, जो राइटर ने डायलॉग्स ये लिखे हैं बहुत कमाल। ये डायलॉग्स होते थे पहले की मूवीज में, अब वैसे अब तो मूवीज में ये डायलॉग नहीं होते थे। और नाना पाटेकर लिखने वाले के डायलॉग कमाल, नाना पाटेकर के बोलने वाले के कमाल, और डिलीवरी कमाल, और स्पीच बहुत मजे की, दिमाग में बैठने वाली। जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिकली लेसन दिया, यही बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि हिंदू मुस्लिम मजहब अलहदा अलहदा है। सबसे पहले इंसानियत मजहब है, सबसे पहले भाईचारा, सबसे पहले इंसान। उन्होंने खून मिक्स करके दिखाया, आप पहचानो डिफरेंस बत करो। वही बात आ जाती है जब एक बात जहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात चल रही है तो पॉलिटिशियंस अक्सर ही ऐसे करते हैं, मुल्कों में ऐसे ही पॉलिटिशियंस करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर आपस में तो उनका अपना मुफाद हासिल कर लेते हैं। लेकिन बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम रह जाते हैं बाद में, पहले सबक होता है इंसानियत को। और हमें अपने बच्चों को भी यही देना चाहिए सबक कि हमारे लिए सबसे पहले मजहब है इंसानियत, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम दोनों मजहबों से बड़ा मजहब है इंसानियत का, कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। देखो ना, उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे कौन पा रहा है, गंगा पर। गंगा तो अगर गंगा इतनी बुरी होती तो वो तुम्हारे बच्चों को ना मार देती, अगर हिंदू ने ही तुम्हारी बीवी को मारा। इस जो जो सीन का बेसिक लेसन था वो यही था कि भाईचारों को ऊपर रखा जाए, मजहब को बाद में लाया जाए। तो सीन्स बहुत अच्छे हैं क्रांतिवीर मूवी के, और पूरी मूवी के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। हमने पहले भी एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जो मक्के हमारे चैनल पे मौजूद है, और ये वाली वीडियो आप देखें, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप हमें सजेशन करें कि हम और इस पे क्रांतिवीर मूवी पे बनाए, मुझे बहुत मजे के इसके सीन्स लग रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।